हाय प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आज इस बहुत ही छोटी सी वीडियो में हम करेंगे सॉल्यूशन एक्सरसाइज नंबर 70 का, और ये है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फॉर क्लास 11th एंड 12th बट आल्सो फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। आइए शुरू करते हैं सिंटेक्स। हर हेयर ब्लैक, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह जो ब्रैकेट में दिए हैं उसमें जो ब्लू कलर है वही करेक्ट आंसर है, जो ब्लैक है वो दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। हाइलाइटर की तरह यूज किया है। तो उसके बाल काले हैं, इस आएगा द टिडिंग्स आर, यानी इसमें क्या आएगा, फाल समुद्र में आने वाली लहरें, आर आएगा। द सेकेंड इनिंग्स, हमेशा सेकेंड इनिंग्स या फर्स्ट इनिंग्स ही बोलते हैं, लेकिन इसमें जो वर्ब यूज होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, इज। नॉट इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार नहीं है। द कैटल, बार बार आ चुका है, आर आएगा। ग्रेजिंग इन द फील्ड, वॉट इज, पॉलिटिक्स के बारे में आया है तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। माई स्पेक्टेकल्स, मेरा चश्मा, इज आएगा। दिखता बहुवचन है लेकिन इसे यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, इज। मिसिंग गायब है, थैंक्स के साथ, इज आएगा, ड्यू टू हिम। द पीपल ऑफ अमेरिका, अमेरिका के लोग, बार बार आ रहा है, पीपल हमेशा ध्यान रखिए, आर आएगा, इज नहीं आएगा, रिच धनी है। और हिज हेयर, इज आएगा, आर नहीं, कर्ली यानी कि घुंघराले हैं। मीजल्स, इज आएगा, बीमारी है, आर नहीं आएगा, नॉट सो डेंजरस, इतनी खतरनाक नहीं है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब नंबर 11 सेंटेंस देखेंगे। आर्म्स गिविंग टू द पुअर, गरीबों में बांटी गई भिक्षा, तो वर आएगा वाज में। जितने भी सही आंसर हैं वो ब्लू से लिखे गए हैं और जो दूसरे ऑप्शन दिए हैं वो ब्लैक से लिखे गए हैं। रिचेस टर्न्ड हिज हेड, पैसों ने उसका मस्तिष्क बदल दिया है, रिचेस के साथ भी हैव आएगा, हैज नहीं। देयर मैनी शीप इन द फील्ड, मैदान में बहुत सी भेड़े हैं, तो बहुत सी भेड़ों की वजह से यहां पर आ गया वर। अगर यहां पे आशीप होता तो वास होता। द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, आर ब्रेव, बहादुर हैं, इज नहीं आएगा। हिज ट्राउजर्स, देखने में लग रहा है प्लुरल, आता भी ट्राउजर्स से लेकिन वर्ब का यूज होता है सिंगुलर, इज टॉर्न, फटा हुआ है। पॉलिटिक्स भी वैसा ही है, इज अ डर्टी गेम, की गंदा खेल है, आर नहीं आएगा। द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, जूरी थी जो सभा थी उसने अपना निर्णय सुना दिया है एक बच्चे ने, तो हैज आएगा, हैज नहीं। योर सीजर्स भी हमेशा यूज होता है सीजर्स ट्राउजर्स, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है या वर्ब का तो सिंगुलर नंबर में, इज ब्लंट यानी कि उसकी धार कुंद हो गई है। द मेजोरिटी इज इन फेवर ऑफ प्रपोजल, इस प्रस्ताव के पक्ष में है यानी कि अधिक संख्या में लोग, तो इसे भी सिंगुलर नंबर वर्ब यूज करेंगे। इज द होल फर्नीचर, सारा फर्नीचर, वाज बर्न टू एशेज, वर नहीं यूज करेंगे, राख में मिल गया। सो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको इस सेंटेक्स का वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश भाई एस गोस्वामी, नमस्कार।